एक कृषि प्रधान देश है और पशुपालन कृषि व्यवसाय से जुड़े लोगों का पूरक व्यवसाय भी है, जिसे भारत के गांवों के अधिकांश लोग आजीविका प्राप्त करते हैं। भारत और समग्र विश्व के पशुपालन व्यवसाय को अधिक फायदेमंद बनाने के लिए उच्च आनुवंशिक गुण वाले सांड और भैंसे के कृत्रिम बीजदान से पशु संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक है। साबरमती आश्रम गौशाला गायों और भैंसों की नस्ल में सुधार के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, ताकि पशुओं का दूध उत्पादन बढ़े, जिससे पशुपालकों की आय में वृद्धि हो। साबरमती आश्रम गौशाला उच्च गुणवत्ता युक्त सांड और भैंसे के कृत्रिम वीर्यदान के डोज का उत्पादन संपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से करता है। सामान्यतया समग्र विश्व में कृत्रिम बीजदान से गर्भधारण 40-45% सफल होता है, लेकिन साबरमती आश्रम गौशाला संचालित प्रोजनी टेस्टिंग कार्यक्रम में सुमूल डेयरी सूरत के बेहवल गांव के एक कर्मचारी को कृत्रिम वीर्यदान से गर्भधारण में 80% सफलता मिली है। तो आइए एक छोटे से किस्से से समझते हैं कि सुमूल डेयरी के एक कर्मचारी को पशुओं के कृत्रिम वीर्यदान में इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली है। हेलो हेलो दीपक भाई। हाँ बोलो। मेरी भैंस गर्मी में आई है, उसके बीजदान के लिए आप कब आ सकते हैं? बहन भैंस गर्मी में कब आई है? कल शाम ढले आई है। भैंस का अंतिम व्यात कब हुआ था? उसके अंतिम व्यात को 3 महीने हो गए। ठीक है कपिला बहन, मैं नजदीक में ही हूँ, थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। ठीक है, तुम पानी गर्म करने रख देना। ए हाँ हाँ। ओ कपिला बहन, सवेरे सवेरे पानी गरम कर रही हो, तो नहाना धोना बाकी है क्या? नहीं नहीं, ये मेरी भैंस गर्मी में आई है, तो बीजदान करने वाले दीपक भाई आने वाले हैं, उसी की तैयारी कर रही हूँ। इसमें क्या तैयारी करना, बीजदान कर्मचारी आकर बीजदान करके चले जाएंगे, इसमें हमें क्या तैयारी करनी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है। आप मुझे कई बार पूछते हैं ना कि आपके पशु ज्यादा दूध कैसे देते हैं, बीजदान का ही प्रभाव है। तो आप बीजदान किसके पास करवाते हो? अपनी सुमूल डेयरी से। ऐसा? हाँ, अच्छी नस्ल का बीजदान करवाए तो आने वाली नस्ल भी दूध ज्यादा देती है। ओहो, मैंने तो ये पहली बार सुना। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी देर रुकिए, दीपक भाई आते ही होंगे, वो तुम्हें सब समझा देंगे। लो, इतनी अच्छी जानकारी के लिए रुकना ही पड़ेगा ना। हाँ, लो आ गए दीपक भाई। आइए आइए दीपक भाई, आइए बैठिए। बैठने की कोई जल्दी नहीं है कपिला बहन, जिस भैंस का बीजदान करना है वो बताइए, उसका स्राव कैसा था वो कहिए। स्राव एकदम साफ सुथरा हो रहा है दीपक भाई, ये रही भैंस, यही पर है, देखो। कपिला बहन, भैंस को बांधना होगा। कांति भाई जरा मदद करना भैंस बांधने में। हाँ चलिए। कपिला बहन, आपकी बात एकदम ठीक है, चलिए हम बीजदान की तैयारी करते हैं। हाँ दीपक भाई। गर्म पानी ले आइए। ए हाँ दीपक भाई, तैयारी है, ले आती हूँ अभी। यहाँ रखो। हाँ रखिए। दीपक भाई, ये क्या है?
ये वीर्य का डोज है। दीपक भाई, कांति भाई को समझाइए कि कृत्रिम बीजदान के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ दीपक भाई, मुझे थोड़ा विस्तार से समझाइए। हाँ, बीज जमा हुआ होता है, उसे प्रवाही करने के लिए 35 से 37 डिग्री गर्म पानी में 20 से 30 सेकंड रखने से ही श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। तापमान की जांच करने के लिए थो मॉनिटर का उपयोग करना आवश्यक है। चलिए भैंस को पकड़िए, हम बीजदान कर देते हैं। हाँ, चलिए चलिए। देखिए कपिला बेन, ये एंट्री हो गई है, देख लीजिए। आप अपने मोबाइल में ई गोपाला एप्लीकेशन में अपने सारे पशुओं की जानकारी देख सकते हैं। कांति भाई, हर छोटी बात का ध्यान रखकर बीजदान करें तो गर्भ रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दीपक भाई, इसके अलावा आप और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं? वो भी आपको बता देता हूँ। हम हमारे साधनों की साफ सफाई रखते हैं। ये गन कैंची साफ पानी में उबाल कर उसकी सफाई का ध्यान रखते हैं। पशु की जांच करने के बाद गर्मी का सही समय हो तभी हम बीजदान करते हैं। अच्छा, यानी साधनों की साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, आपने देखा ना कि हम बीज को कंटेनर से निकालने के लिए चिमटे का ही इस्तेमाल करते हैं। बीज को पानी में से बाहर निकालकर साफ कपड़े या टिश्यू पेपर से साफ करते हैं। हाँ, ये तो हमने देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, बीज को गन में लोड करने से पहले काटने के लिए कैंची का ही प्रयोग करते हैं। बीज को कंटेनर में अलग अलग कैनिस्टर में रखा जाता है, उन सब पर लेबल लगा होता है ताकि जरूर हो उसी डोज को बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन समय समय पर डालते हैं जिससे डोज की क्वालिटी की सुनिश्चितता बनी रहती है। डोज को गोबलेट में ही रखते हैं। कांति भाई, हम SAG का डोज इस्तेमाल करते हैं जिससे श्रेष्ठ गुणवत्ता का भरोसा रहे। अच्छा, ऐसी बात है। इसके अलावा हम नियमित रूप से सुमूल डेयरी और साबरमती आश्रम गौशाला द्वारा रखी जाती मीटिंग में भी जाते हैं और सारे रिकॉर्ड NDDB के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में रखते हैं जिसे पशुपालक खुद भी ई गोपाला में देख सकते हैं। ओहो हो दीपक भाई, ये तो काफी मेहनत वाला काम है ना? नहीं, इसके उपरांत हमारे पास प्लास्टिक का जो कचरा है उसका भी सही तरीके से निकाल करते हैं। देखा कांति भाई, कितनी सावधानी और सलामती रखते हैं ये लोग। सवाल ही नहीं होता ना बहन। दीपक भाई, मुझे ये बताइए कि आप तो सावधानियां रखते हैं, इतनी पर्याप्त है या बीजदान के बाद हमें भी कोई सावधानी रखनी है क्या? हाँ, पशुपालकों को भी बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है, जैसे कि बीजदान के बाद पशु को छांव में रखना चाहिए। ओहो, फिर पशुओं को हर रोज मिनरल मिक्सचर खिलाना है। जो पशु जितना दूध देता है उसके प्रति लीटर के हिसाब से 5 ग्राम और 50 ग्राम जितना मिनरल मिक्सचर पशु के निभाव के लिए उसे खिलाना है। और हाँ दीपक भाई, पशु आहार कितना खिलाना है? पशु आहार दूध के प्रति लीटर के हिसाब से 400 से 500 ग्राम और पशु निभाव के लिए 2 किलोग्राम के हिसाब से पशुओं को खिलाना होता है। और विशेष 18 से 21 दिन पर पशु गर्मी में आए तो उसकी सूचना देनी होती है या 3 महीने पर गर्भ धारण की जांच करवानी होती है। दीपक भाई, इसके अलावा और कोई दवाई देनी है? हर पशु को नियमित रूप से कृमि के डोज बारिश के मौसम से पहले और बाद में देना आवश्यक है जिससे उनकी तंदुरुस्ती बनी रहे। दीपक भाई, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। अब से मैं भी अपनी भैंस का कृत्रिम बीजदान ऐसे ही करवाऊंगा। कृपया मुझे आपका फोन नंबर दे दीजिए। जरूर, मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, जब भी जरूरत हो मुझे फोन कर देना। चलिए मैं चलता हूँ।
हाँ बोलो, मैं नजदीक में ही हूँ, थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। इस तरह से बीज दान के लिए दीपक भाई का सफर पूरी लगन के साथ चालू ही है, जिसके फलस्वरूप उन्हें विभिन्न संस्थानों द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दीपक छगन, जिनका जन्म एक आदिवासी सामान्य कुटुंब में हुआ, जिन्होंने रुचि के साथ इस बीजदान प्रवृत्ति का स्वीकार किया और 16,000 जितनी बछड़ियां पैदा की और अंदाजित 150 जितने सांड हमने NDDB को उपलब्ध कराए और इसका लाभ पूरे देश के पशुपालकों को मिल रहा है। मैं NDDB की सराहना करता हूँ कि जो पशुपालन और किसान के लिए काम करती है, और हमारे सुमूल परिवार वहवल गांव की ओर से भाई दीपक को बधाइयां देता हूँ। आभार। आज पशुपालन में दीपक छगन का नाम सबसे आगे है, क्योंकि हम जानते हैं कि दीपक भाई छगन भाई कृत्रिम गर्भदान करेंगे तो पशु गर्भधारण कर ही लेगा। पिछले 3-4 साल में हमने उसका गर्भाधान दर देखा है कि यह लड़का राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर है। ऐसी प्रेरणा से मुझे उस पर किताब लिखने का मन हुआ और मैंने किताब लिखी है, ट्रू स्टोरी ऑफ द मैन हु मेड डॉक्टर वर्गीस कुरियंस ड्रीम अ रियलिटी, द मिरेकल बॉय दीपक, नेशनल लेवल फर्स्ट रैंक अचीवर। सिर्फ उसकी सरल और बिना पैसे की टेक्निक और सावधानी से वह कृत्रिम गर्भदान करते हैं, वही हमें देखना।